स्वागत है आपका ये फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेज वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 आज के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज का लास्ट मैच और डिसाइडर मैच है, तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंडली के लिए ट्रंप प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों विन कर सकते हैं। साथ में देखेंगे पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड एनालिसिस करेंगे, साथ में जानेंगे मेगा ग्रैंडली के ट्रंप प्लेयर जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हेनली मैथ्यूज किस प्रकार से अपन को ये वाला मैच जीता सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एस कॉर्नवाल, जेस्ट जॉनसेना और सतरलैंड को मैंने ट्रंप प्लेयर बताया था। तीनों प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग की टीम में डायरेक्ट पिक हुए थे और हमने बहुत ही अच्छा विन किया था प्लेयर्स की बदौलत। तो आज भी मैं बताने वाला हूँ आपको। अभी देख लेते हैं पिच। मैच खेला जाएगा एलन बॉर्डर ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम पे, जो कि बहुत ही अच्छा वेन्यू है। यहाँ पे बैटर्स और बॉलर दोनों को बराबर का एडवांटेज मिलता है। बैटर्स अच्छा खेलता है जो 6 रन बनाता है। इसके अलावा पेसर और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रोल रहने वाला है। यहाँ पे जो लास्ट 10 मैच खेले गए उनमें एवरेज स्कोर है 161 है और एवरेज 7 विकेट एक मैच में गिरते हैं और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 127 रन। अब देख लेते हैं इस वेन्यू पे हुए मैचों के बारे में। दोस्तों ये मैच बिग बैस लीग के वुमेन बिग बैस लीग के ये मैच है। यहाँ पे देखो पहला मैच जो हुआ था पर्थ स्कॉचर वुमेन और ब्रिस्बेन हेट वुमेन के बीच हुआ था, जिसमें 140 रन बनाए थे पर्थ स्कॉचर वुमेन्स ने और चेज करने आई ब्रिस्बेन हेट की टीम 137 पे 7 विकेट गवाती है और स्कोर को चेज नहीं कर पाती है। पेसर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे 4 विकेट और स्पिनर को मिल रहे हैं यहाँ पे 9 विकेट। इससे पहले पर्थ स्कॉचर की वुमेन ने 111 बनाए 5 विकेट के नुकसान पे और चेज करने आई एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 112 रन पे 4 विकेट गवाकर स्कोर को चेज कर जाती है। 4 विकेट मिलते हैं पेसर को और 5 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। इसके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स का एक और मैच यहाँ पे हुआ था जिसमें 140 रन बने थे 8 विकेट के नुकसान पे और उसे ब्रिस्बेन हेड चेज नहीं कर पाए थे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है, सारे स्कोर 140-150 के बीच में यहाँ पे स्कोर बन रहे हैं। पेसर से यहाँ पे 13 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर्स ले रहे हैं यहाँ पे 5 विकेट इस मैच में। तो यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर दोनों को एडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे बैटर्स भी अच्छे रन बनाते हैं जो अच्छी टेक्निक से खेलता है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में वुमेन इतना स्कोर बनता है। पिछले जो मैचों में जो वेन्यू था वो वेन्यू अलग था, वहां पे बैटर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, काफी ज्यादा रन देखने को मिल रहे थे। लास्ट मैच में हेनली मैथ्यूज ने खतरनाक 100 भी लगाया था और 3 विकेट भी निकाल ले गई थी। अब अपन देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले उसको। बैथ मुनी के साथ ओपनिंग करेगी एलियास हेली, वन डाउन एलिस पेरी, पिच लेफील्ड एलिशा गार्डनर, टाइलर मैकग्रा, ए सदरलैंड, जी वॉरियन, जेस जॉनसेना, मैग्नस स्विफ्ट और डार्सी ब्राउन आपको खेलती हुई नजर आएगी। मुनी को देखो आप 32-81 नॉट आउट, 33-16-49-0 और 2 मैच T20 के उनमें 11-29 रन बनाए हैं बैथ मुनी ने। हेली को देखो आप 16-8-13-7-24-23-12-1 मैच में 56, इसके अलावा थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है और लास्ट मैच में डक पे आउट हो गई थी। ये हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है लेकिन विकेट कीपिंग भी करती है तो इंपोर्टेंट रहने वाली है। पेरी को देखो आप 51 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट 34 रन, 41 रन प्लस 1 विकेट 91 रन, 53 रन 91 रन, 8 बैटिंग नहीं है और 70 रन। ये बहुत अच्छी फॉर्म में रहती है हर टाइम पे, बहुत ही अच्छी खेलती है। बॉलिंग हालांकि अभी ये कर नहीं रही है दो मैचों से। पिछले फील्ड को देखो आप, इसको डाउन ऑर्डर भी भेजा जा सकता है और टाइलर मैकग्रा को अप किया जा सकता है इसकी जगह, जो लास्ट मैचों से नंबर 4 पे और 3 पे आ रही है। ठीक है, 68 रन 39-38-1-40-13-29-2 बैटिंग ने लास्ट मैच में 52 रन बनाए, शानदार हिटिंग की थी लास्ट में आके और टीम को अच्छा स्कोर दिलाया था, फिर भी टीम हार गई थी। गार्डनर को देखो आप 21 रन 3 विकेट, 33 रन 3 विकेट, 41 रन 3 विकेट, 65 रन 1 विकेट 3 विकेट, 54 रन 1 विकेट, 15 रन 3 विकेट, 13 रन 1 विकेट। लास्ट मैच में ये फ्लॉप गई, इसके अलावा सभी मैचों में ड्रीम टीम की मेंबर तो है ही, साथ में सीवीसी की भी बहुत ही अच्छी कंटेंडर है। ठीक है, टाइलर मैकग्रा को देखो आप 5-26-2 विकेट निकाल रहे हैं यहाँ पे 1 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 60 रन विकेट नहीं मिला 4 रन। सदरलैंड को देखो आप 0-50 रन प्लस 0, 18 रन प्लस 0, 37 रन प्लस 0, 109 नॉट आउट,
प्लस जीरो, एक रन प्लस जीरो, जीरो रन विकेट और 13 रन प्लस जीरो विकेट, लेकिन एक दो कैच आ गए थे जिस वजह से ड्रीम टीम की ये मेंबर बन गई थी और अपन को अच्छा खासा इससे फायदा हुआ था। ठीक है, जी वेरियन को देखो आप, 19 नॉट आउट, एक विकेट, 3 विकेट, 0 0 0 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में 32 रन जरूर बनाए, विकेट इसको नहीं मिल रहे। ठीक है, जोन सेना को देखो आप, 0 3 विकेट 2 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 0 विकेट और लास्ट मैच में 1 विकेट इसको मिल गया था। लास्ट में जाते जाते इसने हेली मैथ्यूज को क्लीन बोल्ड कर दिया था। ठीक है, एम सूट को देखो, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे मेगन सूट ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज के मैच में, क्योंकि ये पिच पेसर्स को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे इस पिच पे होने वाला है। ठीक है, डार्सी ब्राउन को देखो आप, 0 0 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। अब अपन देख लेते हैं वेस्ट इंडीज की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। एस गजनबी के साथ ओपनिंग करेगी हेली मैथ्यूज, एस टेलर, आर विलियम्स, एस कैंपेबल, सी हेनरी, ए एलिना, ए फ्लेचर, एस कॉनवाल, के राम हरक और सी फ्रेशर इस मैच में आपको खेलती हुई नजर आ सकती है। यहां देखो आप, 17 नॉट आउट 2 नॉट आउट 4 0 2 0 1, पिछले दो मैचों से ओपनिंग कर रही है लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाए। हेली मैथ्यूज को देखो आप, 23 रन प्लस 0, इसके अलावा यहां देखना आप, 19 रन 2 विकेट 22 रन 1 विकेट 45 रन 2 विकेट 82 रन 2 विकेट 99 रन प्लस 1 विकेट 132 रन प्लस 3 विकेट, यानी कि बहुत ही खतरनाक चल रही है हेली मैथ्यूज। सेम इसकी तरह जो साउथ अफ्रीका वुमेन, न्यूजीलैंड वुमेन की जो सीरीज हो रही, उसमें एंडी क्लार्क लगातार परफॉर्मेंस कर रही थी। लास्ट मैच में मैंने बोला था आपको कि आप एंडी क्लार्क पे चांस ले सकते हो, केवल 2 टीम में, अगर आप 6 टीम बना रहे हो तो 2 टीम में आप चांस ले सकते हो, और हमने वो चांस लिया और एकदम से सफल वो चांस रहा क्योंकि एंडी क्लार्क फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, कोई भी प्लेयर है वो सभी मैच नहीं चलता, गार्डनर ही देखो आप कितने मैच चल रही थी उसके बाद फ्लॉप हो गई, तो हेली मैथ्यूज भी फ्लॉप हो सकती है। अगर हेली मैथ्यूज फ्लॉप होती है तो वो 76% की कैप्टन है और अपन वो 98% लोगों के पास होगी, तो बहुत ही अच्छा चांस बनेगा। आगे मैं समझाता हूँ किस प्रकार से आप वहां प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। टेलर को देख लो आप, 22 10 32 17 नॉट आउट 4 0 10, और लास्ट मैच में ये भी हेली मैथ्यूज को देख के रंग में आ गए थे, शानदार 59 रन बनाए थे इसने। ठीक है, आर विलियम्स 23 2 6 बैटिंग नहीं आई 36 0 बैटिंग नहीं आई। एस कैंपेबल विकेट कीपर है, 19 रन नॉट आउट 7 बैटिंग नहीं है 47 नॉट आउट 33 19, लास्ट मैच में 4 रन नॉट आउट बनाकर जिता लिया था मैच। ठीक है, सी हेनरी को देखो आप, 22 नॉट आउट 13 10 नॉट आउट 10 नॉट आउट 10 नॉट आउट 9 2 रन 1 विकेट 1 नॉट आउट 1 विकेट 4 रन प्लस 1 विकेट, ये लगातार परफॉर्मेंस करती है और ड्रीम टीम की मेंबर ये लगभग बाहर रह जाती है। ठीक है, एलिना को देखो आप, 49 नॉट आउट बैटिंग नहीं आई 1 विकेट 10 रन प्लस 0 6 रन प्लस 0 0 19 रन नॉट आउट प्लस 2 विकेट, लास्ट मैचों से विकेटलेस जा रही है। ए प्लेचर 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5 मैचों से विकेटलेस जा रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने पिछली जो सीरीज खेली थी उसमें हर मैच में विकेट निकाला था, लेकिन इस सीरीज में अभी तक एक भी विकेट इसको नहीं मिला। एस कॉर्नवाल लास्ट मैच की अपनी सबसे अच्छी पिक रही थी, मैंने बोला था फास्ट बॉलर है, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करेगी उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिर सकता है, और एस कॉर्नवाल ने बहुत ही अच्छा अपन को विन करवाया था। यहां देखो, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 0 0 विकेट और 2 विकेट। के राम हरक 1 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, और पिछले दो मैचों से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खूब पिटाई खा रही है, विकेट नहीं मिल रहा है। सिर्फ रेसर 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 0 विकेट निकाल रही है। अब देख लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मर, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कौन सा प्लेयर अपन को परफॉर्म करके देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। यहां देखो वेस्ट इंडीज की वुमेन की तरफ से एस टेलर लगातार अच्छा खेल रही है और पिछले दो मैचों से ड्रीम टीम के मेंबर बन रही है। एस गजनबी 10 रन 1 विकेट, अब बॉलिंग शायद ये नहीं कर रही है। सी एंड्री देखो 2 विकेट, एफ फ्लेचर 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेरी अच्छा खेलती है, गार्डनर हर टीम के अगेंस्ट चल रहा है, इसके अलावा एम सूट बहुत ही अच्छा खेलती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ठीक है, जोन सेना को देखो 1 विकेट। अब देखो इनमें रिपीट प्लेयर देखो आप, मेगन सूट 3 विकेट यहां पे निकाल रही है, 1 विकेट यहां पे निकाल रही है, 2 विकेट यहां पे निकाल रही है, लास्ट मैच में भी 2 विकेट चटकाए और उससे पिछले मैच में विकेट नहीं मिले थे लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी की थी, एक मेडन और डाला था इसने। ठीक है, इसके अलावा जोन सेना को देख लो आप, 1 विकेट 2 विकेट
चार विकेट और लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में बहुत ही चलती है, सिलेक्शन बहुत ही डाउन रहेगा लेकिन प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी वरैन एक विकेट, तीन विकेट लगातार निकाल रही है ये भी, और गार्डनर की तो आपको पता है बहुत ही शानदार प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहने। इसके अलावा एलेक्स हेली अच्छे खेलती है इनके अगेंस्ट, दोनों मैचों में अच्छा किया है मूनी, और इनकी तरफ से फ्लेचर आपको हर मैच में नजर आएगी, एक विकेट एक विकेट एक विकेट, और सी हेनरी ठीक है। हेली मैथ्यूज इस सीरीज में नहीं थी, इस वाली सीरीज में जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये कुछ प्लेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो हेड टू हेड में हमेशा परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं देख लेते हैं जो दो मैच हुए हैं, दोनों में जो ड्रीम टीम निकल के आई उनका एनालिसिस कर लेते हैं। यहां से देखो हेली एस कैंपेबल, बी मुनी आई थी लास्ट मैच में, एस टेलर, पी लेचफील्ड और हेली मैथ्यूज, टाइला मैकग्रा, एलिशा गार्डनर, सी हेनरी, डार्सी ब्राउन, मैग्ना सूट आपको देखने को मिली थी। कप्तान हेली आई थी, वॉइस कैप्टन आई थी एलियास हेली, दोनों कैप्टन दोनों टीमों की, और दोनों ही कैप्टन आ गई थी पहले मैच में ठीक है। दूसरे मैच में देखो क्या हुआ, हेली यहां से फ्लॉप हो गई, मुनी, पेरी, टेलर और पी लेचफील्ड लगातार रिपीट कर रही है। हेली मैथ्यूज, सी हेनरी, ए सदरलैंड, एस कॉनवाल, मैग्ना सूट, जी वरैन, जेनसन आपको खेलते हुए नजर। हेली मैथ्यूज शानदार तीन विकेट निकाले थे, 100 किया था, बहुत ही खतरनाक पॉइंट दिए थे 550 पॉइंट, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। वीसी आई थी एलियास पेरी ठीक है। तो इस मैच में भी कुछ प्लेयर है जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं, जैसे पेरी इनके अगेंस्ट अच्छा खेलती है, हेनरी लगभग मैचों में ड्रीम टीम की मेंबर बनती है, हेली मैथ्यूज का तो आपको पता ही है। इसके अलावा मैगन सूट हमेशा इनके अगेंस्ट अच्छा खेलती है। तो ये कुछ प्लेयर है जो हर मैच में परफॉर्मेंस देते हैं। अब अपन देख लेते हैं इस मैच के लिए जो अपने ट्रंप प्लेयर रहने वाले हैं उनको। दोस्तों लास्ट मैच में मैंने बताया था आपको एस कॉनवाल, ए सदरलैंड और जेस जोनसेना, जो कि तीन प्लेयर अपने पिक हुए थे। अब आज मैं बता रहा हूं ए सदरलैंड सिलेक्शन डाउन है अभी भी, जेस जोनसेना और डार्सी ब्राउन जिसका सिलेक्शन काफी डाउन चला गया था, लेकिन ये पिच वो पिच नहीं है जहां पे ज्यादा रन बनते हैं। यहां पे आपने देखा स्कोरिंग पैटर्न, इतने ज्यादा रन बनते नहीं है तो यहाँ पे विकेट निकलने वाले हैं, तो ये बॉलर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ देखो इनकी तरफ से ए फ्लेचर और एस कैंपेबल को मैंने रखा है। अब बताता हूं किस प्लेयर को आपको किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। यहां से देखो आप अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है ना, उस कंडीशन में आपके लिए जे जोनसेना और डार्सी ब्राउन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इनमें से आप ले सकते हो एस कैंपेबल को, क्योंकि विकेट कीपिंग से अगर इसने 20 पॉइंट भी दे दिए ना और बैटिंग से 10 पॉइंट भी दे दी तो ड्रीम टीम की मेंबर बन जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा प्लेयर्स ड्रीम टीम के मेंबर बनेंगे नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ प्लेयर है जिनका ना तो बैटिंग अच्छे से करते हैं ना बॉलिंग करते हैं, तो कुछ प्लेयर है जो इंपॉर्टेंट रहने वाले ठीक है। ए फ्लेचर आपने देखा हेड टू हेड में लगातार विकेट निकाल रही थी, पिछले दो मैचों से इसको विकेट नहीं मिला है, और वैसे तो पांच मैचों से विकेट नहीं मिला है लेकिन इनके अगेंस्ट इसको दो मैचों से विकेट नहीं मिल पा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये सभी बॉलर्स काफी पोटेंशियल प्लेयर है। इसके अलावा आप टीम चेंज ये कर सकते हैं इस मैच में, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर की जगह किम ग्राथ को टीम खिला सकते हैं। किम ग्राथ को अगर टीम खिलाती है तो आप टीम में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है किम ग्राथ भी आपके लिए। दोस्तों इन सभी प्लेयर्स को आपको एक ही टीम पे अप्लाई नहीं करना है, अलग अलग डिफरेंशियल आपको टीम बनानी है, और इनमें से आपको दो या तीन प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग के ट्रंप प्लेयर बनते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब चलते हैं देख लेते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई उसको देख लेते हैं। यहां देखो मैंने लिया हेली और मुनी को, यहां से पेरी को मैंने बेस्टमैन से रखा है, यहां ऑलराउंडर से हेली मैथ्यूज, गार्डनर, सी हेनरी, मैगन सूट, एस कॉनवाल, जी वॉरियम, किम गार्थ और डार्सी ब्राउन को मैंने टीम में रखा है। अगर ये कंडीशन ये है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग आप पिछले इनके मैच देखोगे लगभग मैचों को 8-9 विकेट से जीत जाती है, पिछला मैच एक छोड़ दो आप, इसके अलावा बहुत ही अच्छा खेलती है ऑस्ट्रेलिया। अगर हेली मैथ्यूज फ्लॉप हो जाएगी ना तो इनके लिए बहुत ही आसान होगा, इजीली ये मैच को विन करेंगे, और इतने कोई प्लेयर खास है नहीं ठीक है। एम स्कट कैप्टन रखा है मैंने और डार्सी ब्राउन को मैंने वीसी किया है। आप चाहो तो वीसी के लिए गार्डनर के पास भी जा सकते हो, अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा हेली भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि दो बॉलर से अच्छे विकेट निकालेंगे पावर प्ले में, क्योंकि हर मैच में ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर परफॉर्म करेगा। हाँ ये प्लेयर 100 में से 98 मैच में परफॉर्मेंस करती है ठीक है हेली मैथ्यूज, लेकिन
आप जैसे छह टीम बना रहे हो, छह टीम में से आप दो टीम में रिस्क ले सकते हो, दो टीम में मान लो आपके 98 रुपये गए, ठीक है। लेकिन अगर सोचो यहां से ये प्लेयर फ्लॉप होती है, क्योंकि किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है ये मैं बता देता हूं। अगर ये पहले बैटिंग करे वेस्ट इंडीज, अगर ये यहां से फ्लॉप हो गई और ये इजीली मैच को जीत गए 8-9 विकेट से, तो उस कंडीशन में इसको विकेट भी नहीं मिलेगा और उस कंडीशन में आपको यहां पे एक ट्रंप प्लेयर यूज करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा इस टीम में देखो, हैली एस कैंपेबल को मैं रख रहा हूं, यहां से पेरी, हैली मैथ्यूज, टाइला मैग्रैथ, ए सतरलैंड, एलिशा गार्डनर को मैंने रखा है यहां, मेगन सूट, एस कॉनवाल, जी वॉरियम और डार्सी ब्राउन को मैंने रखा है। कैप्टन मैंने डार्सी ब्राउन को किया है, वॉइस कैप्टन मैंने किया है एलिशा गार्डनर को। आप चाहो तो कैप्टन गार्डनर को कर सकते हो और वीसी डार्सी ब्राउन को कर सकते हो। इसके अलावा आप सेफ जाना चाहते हो तो आप हैली मैथ्यूज के पास भी जा सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा मैच लॉस करती नहीं है, बहुत ही अच्छा खेलती है, आप सबको पता है। ज्यादातर लोग हैली मैथ्यूज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गार्डनर भी उतनी अच्छी ऑलराउंडर है जितनी की अच्छी हैली मैथ्यूज है। इन दोनों के रिकॉर्ड्स आप पिछले उठा के देख लो, मैंने वीडियो को आप आराम से चेक कर लो दोबारा से, क्योंकि ये प्लेयर लगभग मैचों में चलने वाले। तो आपको मैं से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हैली मैथ्यूज को हर मैच में छोड़ के चलना है, ठीक है। जैसे छह टीम मना रहे हो ना, तो आप दो टीम में रिस्क ले सकते हो आपको अगर नंबर वन रैंक तक पहुंचना है तो, ठीक है। उसकी जगह भी आपको डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई करना है, जो मैंने ट्रंप प्लेयर बताया, तो वहां से आप मेगा ग्रैंड लीग का रास्ता आपके लिए साफ हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।